लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुकाम को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया है। अव्वल तो ये एक्सपेक्टेड था और रोज़े अव्वल से एक्सपेक्टेड था, सच्ची बात। क्यों एक्सपेक्टेड था उसकी वजूहत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बहुत अच्छा हुआ। मरियम ख़ानदान की वाहिद फर्द नहीं, फर्द तो बहरहाल वो है, शी इज़ एन इंडिविजुअल, वो बेटी यहाँ थी, भाई सारे वहाँ बैठे हैं, वालिद वहाँ बैठे हैं, पूरे कुनबे में शी वॉज़ द ओनली वन। मुझे नहीं पता और इनके साथ को अगर कोई करीबी हो इनका तो अच्छा है, ये भी जाके अपनी फैमिली को ज्वाइन कर लें और अपने असल वतन भी चक्कर चक्कर लगाएं और पासपोर्टों को रोकने या रखने से क्या फ़र्क पड़ता है। पर्सनल सी तरफ बात कर लें, वो ये है कि गुज़श्ता कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा एक सवाल पूछा जा रहा है और इतने दोस्त और व्यूअर्स ये सवाल कर रहे हैं कि वो उनके नाम लेना मज़े का खेज लगेगा, अजीब सा लगेगा। सवाल ये है कि मैं कॉलम क्यों नहीं लिख रहा, तो उसका पस मंज़र सिर्फ इतना है कि मैंने अपना सबका ग्रुप छोड़ के तो मैंने समा टीवी ज्वाइन किया है, वहाँ मेरा प्रोग्राम है ब्लैक एंड वाइट, जो आप में से देखते हो वो होता है फ्राइडे और सैटरडे को, दो दिन 7 बजे करीब, 7:05 बजे 7:10 बजे। अच्छा, अब जब मैंने समा ज्वाइन किया तो ये बिल्कुल तय था कि समा अखबार भी लॉन्च करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन, उस पर काम हो रहा है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिलेज हो जाती हैं, मेरा काफ़ी उम्र गुजर गई है इसी काम में, तो मैंने तारीखों के चंद तारीखों के पोस्टपोन हुए बगैर कोई अखबार निकलते नहीं देखा। सो प्लीज़ उसके लिए मैं आपसे ज़्यादा बेताब मैं हूँ। उसकी वजह है कि मेरा पहला जो रोमांस है, मेरा पैशन है जो, वो लिखना है। ये तो पता नहीं, मुझे खींच खांच के बेसिकली लाया गया था इधर कैमरे वाली बात, अदरवाइज मैं अपने कलम के साथ बहुत खुश था और अब भी हूँ। सो मेरा तो अपना पैशन है, मैं सुबह आई ऑल्सो फील टेरेबल बिकॉज ढेरों अखबार पढ़ने के बाद वो तो चूँकि आदत है, मैं तो आई गेट अप जब अखबार पहुँचते हैं तो दैट इज़ द टाइम, वो वेकअप कॉल होती है, तो मैं बड़ा मुझे डिप्रेशन सा होता है मैं जब इतने ढेर सारे उर्दू अंग्रेज़ी अखबार पढ़ लेने के बाद, तो तबीयत मचलती है, मतलब टेंशन भी महसूस होती है कि यार इस बात पे लिखना चाहिए, इस पे लिखना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है मेरे पास इस वक्त अखबार कोई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।